इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कई बार हमने देखा लोग पढ़ाते पढ़ाते दुखी होके मारने लगते हैं। इतना दुखी न हो कि दूसरा भी दुखी हो जाए, ठीक बात नहीं। संस्कार श्रेष्ठत्व में अवतरित करा देता। जबरन कोई वस्तु न दी जाए, सहजता से। बनाया न जाए, बनने दिया जाए। किसी को भी बनाया न जाए। हर व्यक्ति को भगवान ने योजना पूर्वक भेजा है। किसी को अध्यापक बनना है, किसी को अधिकारी बनना है, किसी को मैनेजर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। जो कुछ नहीं बनेगा वो बाबा बन जाएगा। क्या अंतर है? कुछ तो भगवान बनाए हैं ना। भगवान कुछ बना करके ही भेजते हैं। सबके बारे में उनकी योजना है। कई बार हम लोग बनाने लगते हैं, हम आपको ये बनाएंगे, हम आपको वो बनाएंगे। किसी को बनाइए मत, बनने दीजिए। परिस्थितियां पैदा करिए, व्यवहार की परिस्थिति उत्पन्न हो। बहुत सारे प्रमाण हैं। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, जब उनका नाम नरेंद्र था, तो गुरु जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कुछ मांगने गए थे। किसके लिए? परिवार में थोड़ी अभाव की स्थिति थी, तो चले। तो स्वामी जी से निवेदन किया, उन्होंने कहा कि तुम मेरे से कुछ चाह रहे हो, मैं जिनसे लेता हूँ तू भी जाके ले लो। तो माँ के पास गए, तो माँ से जगत का सामान क्या मांगे? सदगुरु की कृपा, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। एक नहीं, तीन बार मांगे। जो जिसलिए आया है उसको वही होने दिया जाए, कुछ बनाया न जाए। जो बनता है वो बन ही जाता है, किसी को बनाया नहीं जा सकता है। परिस्थितियां उत्पन्न हो। कबीर बाबा भक्त कवि रविदास जी, संत रविदास जी, कोई बनाया। प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कोई बनाया। मल्लुकदास जी महाराज, कोई बनाया, बन गए। जिसको जो बनना होता है, प्रकृति स्वतः व्यवस्था बनाकर बना देती है। जिसको नहीं बनना है, बनते बनते भी प्रकृति व्यवहार कर देती है। बनाना है, बनने दिया जाए, परिस्थितियां साथ लगाई जाए। मिथिलावासी सोच रहे हैं, इनके समान कौन भगवान शिव की आराधना किया है जिनको ऐसा सुंदर सुयोग उत्पन्न हुआ। हम मिथिलावासी धन्य हैं जिनको यह दिव्य उत्सव देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। हमारा परम सौभाग्य है सब। हे सखी, ये सुंदर सुयोग हमको ही मिलना था, हम पुण्यशाली हैं। कितना सुंदर सुयोग बना है। सांवले वाले सरकार से जानकी जी का विवाह होगा, दिखे न कितनी मधुर मूर्ति है। ये बार बार ले जाने, पहुंचाने पहुंचाने ले जाने आएंगे, इनका दिव्य दर्शन हो का पाकर हम लोग धन्य धन्य हो जाए। सौभाग्य वर्धन होगा, सब अपना अपना सौभाग्य सरा रहे।
इसी में कोई सखी कहती है, सखी देखो ना महाराज दुई भाई इनकी चार संतति, क्या सुयोग बना है। महाराज दुई भाई चार संतति, दुई महाराज शिरध्वज की, दुई कुशध्वज की, और अयोध्या नाथ के भी चार पुत्र हैं, दुई सांवले दुई गोरे। हे भगवान ब्रह्मा ऐसा सुंदर सुयोग बना है, कृपा बनाई है, ऐसी मंगल मूर्ति आगे मिले न मिले। भगवान ब्रह्मा मिथिलापति की बुद्धि को ऐसा पलटिए कि चारों भाइयों का विवाह यही मिथिला में संपन्न हो जाए। नरनारी सोचते गोस्वामी जी, उपमान को कह दास कतहुं कवि को वेद बलबीनय भगवान ब्रह्मा से करते हैं, जिन्होंने हमको आपको रचा है। रचनाकार जो है, ब्याहिय ही चारियु परस्पर संवाद बनाते हैं नर नारी, सब यही मांग रहे हैं भगवान कृपा करे और ऐसा सुयोग बने। राजा लोग सब अपने अपने कुटिया में सानंद, धीरे धीरे अवसर आ गया जब बारात की द्वाराचार हेतु निकासी होगी। मंगलम लगन दिन आया मंगल Bye.
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।